So next they go. Write down the ages of I am dash years old. कितने साल के हो आप? तो यहाँ पे आप लिख लो 8 या 9 जितने साल के भी हो. My father is dash years old. यहाँ पे आप उनकी एज लिख लो जितनी भी है. My mother is dash years old. यहाँ पे मदर की एज लिख लो. My sister is dash years old. यहाँ पे चाहे सिस्टर की एज लिख लो. My grandfather is dash years old. तो grandfather की जब एज लिखनी है ना आपने, तो जैसे ये फादर की एज में ना आप ऐसे किया करो 25 ऐड कर लिया करो. ठीक है, तो ये. और grandmother की जब लिखनी है इनसे 3 कम कर दो, 63 कम 57. बस जैसे फादर की ये लिख दी आपने एज, उससे 3 कम करके ये वाली एज लिख दो. ठीक है, ऐसे कर लिया करो. नेक्स्ट, रीरेंज दीज जंबल वर्ड्स ऑब्टेन मीनिंगफुल वर्ड. तो इसका क्या बनेगा? बॉय. तो आपने लिख देना है जैसे भी हम लिखते होते हैं, बी ओ वाई, बॉय. ठीक है, इसका मैन, एम ए एन, मैन. ठीक है, इसका ओल्ड, ओ एल डी, ओल्ड. ठीक है, ऐसे आपने करना. मेक ए फैमिली ट्री एंड पेस्ट योर फैमिली मेंबर्स फोटोग्राफ्स ऑन इट. तो फैमिली ट्री आपने सुंदर सा बनाना है. जैसे मान लो ये आपने ट्री बना दिया, मैं बताता हूँ आपको. जैसे ये आपने ट्री बना दिया, तो ऊपर की साइड पे यहाँ पे आप इस जगह पे ग्रैंडफादर की फ़ोटो लगा दो और इस जगह पे ग्रैंड मदर की. ठीक है, और फिर इसी तरह यहाँ पे पापा की और यहाँ पे मम्मी की, इधर की साइड पे. ठीक है, और फिर यहाँ पे अपनी लगा दो, यहाँ पे सिस्टर की लगा दो या ब्रदर की लगा दो. ऐसे आपने सुंदर सा फैमिली ट्री बना के फ़ोटो खींच कर हमें भेजना है. ओके.